हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया दिन और बज रहे हैं सुबह के 12:30। और ये मम्मी तैयार करनी है खाना, क्योंकि मामा जा रहा है मामी को लेने फिरोजपुर। तो मामा की ट्रेन है 1 बजे और मैं जा रहा हूँ मामा को छोड़ने स्टेशन पर। तो चलो चलते हैं फटाफट। और ये मम्मी तैयार कर रही है, क्योंकि कितनी देर लग जाती है, 8-11 बजे पहुँचेंगे रात को। अब 1 बजे की ट्रेन है, रात को 12 बजे पहुँचेगा मामा। तो मम्मी से क्या करनी है कि सारा वाना खाना तैयार करके। चलो जी, हम जा रहे हैं मामा को छोड़ने। मैं एक्टिवा वहीं से वहीं पार्क करके मैं भी निकल जाऊँगा मामी को लेने। हाँ, इसी बार ने मिल भी आएगा सारों को। मैं भी जा रहा हूँ फिरोजपुर। हाँ जाओ, चलो चलो बाय फिरोजपुर। हो क्या ना, 2 दिन बाद आऊँगा, याद मत करना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो जी, हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा मामा। बड़े तूफानी रास्तों से आए हम। क्या कर रहे हो? चलो बड़ी तूफानी रास्तों से आते हुए, क्योंकि बारिश आ रही है, सारा पानी भरा पड़ा था। आ गई आपकी ट्रेन, ये वो ही है हजरत निजामुद्दीन के रास्ते इंदौर से चलकर सहारनपुर के रास्ते अमृतसर को आने वाली अपने निर्धारित समय पर चल रही है। भाई इनकी ट्रेन आने वाली है। मेरे को भी बड़ा दिन हो गया ट्रेन देखे, मैंने कहा चल अंदर चलते देख के आते हैं। प्लेटफार्म ले लूँ उससे? रुको, ये रोक लेगा, 10 रुपये का तो होता है। चलती पटरी। जी, हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो कि आने वाली है 13:02 पे। वैसे तो मैं चला जाता, मैंने कहा चल थोड़े दिन हो गए, बड़े दिन हो गए ट्रेन देखे हुए, वो भी देख लेंगे। ये हमारी ट्रेन का नंबर चल रहा है, सही टाइम पे पहुंच। चलो भाई, सब ट्रेन तो आई नहीं और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि देर हो रही है। वो बोली जा रही है आ रही है, आई नहीं हूँ, मेरे को जाना है काम से। तो आ गी। मामा को यहीं पे, मामा रोक के रखा हुआ है, आ गई, यहीं रुक जा। और ट्रेन का नामो निशान नहीं है, तो हम चलते हैं। ट्रेन देख ली मैंने, ये रही ट्रेन, दिख गई। तो गाइस, ये ट्रेन है जो घंटा लगा के अब आई है। चलो फाइनली बाय। ये आ रही है इनकी ट्रेन। तो गाइस, हम आ चुके हैं जिम में और हम फटाफट जिम करते हैं। और 9 बज रहे हैं, आज लेट हो गया मैं जिम में। फटाफट वर्कआउट करते हैं और चलते हैं, डाइट लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मामा को मैं छोड़ आया था, 1 बजे की ट्रेन थी, 6 बजे वो। चल डांस करके दिखा ढंग से। रोटी खा ली? और बता। नहीं ताजी, म्यांमार ऐसा ही चल रहा है क्या? बढ़िया मजे में। अच्छा, ले चल मम्मी से कराता हूँ बात, रुक जा। लो जी, डैडी से कर ले बात पहले तू। तो गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपकी बीवी रूठ गई हो या बड़ा प्यार कर रही हो, मतलब जैसे कि
पूछ पूछ ज़्यादा ही कर रही हो तो समझ जाओ तुम्हारी जेब ढीली होने वाली है। वैसे ही मेरे को लग रहा है 2 दिन में मेरी जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि मेरी बीवी आजकल बड़ी हैं जी, नमस्ते जी, मैं आपके लिए खाना बना दूँ, मैं आपके लिए कर दूँ, आजकल वो चल रहा है। तो मुझे लग रहा है मेरी जेब ढीली होने वाली है। 3-4 दिन से ना ये जगह का नाम ले रही है जो कि विशाल मेगा मार्ट, वहाँ चलो वहाँ। अब कह रही पूजा चंचल, मतलब अब मेरी जेब ढीली होने वाली है। हैं जी, हाँ जी, तभी आपका जी जी चल रहा है थोड़े दिन से है। क्या लेना चाह रही हैं आप? शॉपिंग में क्या, फिर भी पता आइडिया तो होए कि क्या शॉपिंग करना चाह रहे हो, जिससे तो आइडिया हो खर्चा खुर्चा क्या आने वाला बताइए। टॉप, कुर्तीस, जैगिंग्स। फिर और बस ये देख लो, टॉप आया मान लो 500 का टॉप, कुर्ती आ गई 750 रुपये, जैगिंग मान लो 750 की, बताओ 2000-3000 का खर्चा तो मेरा यहीं। इनका क्या जाना है, इन्होंने तो जी जी कर लेनी है, इनमें पैसे तो भर पटेंगे है नहीं भाई। तो पति होते किस लिए है, एटीएम कार्ड होते हैं पति भी। वो कहनी पेती एटीएम कार्ड, बताओ पेती नहीं, तो मैं तुम ये जरूरी है स्वाइप ही करते रहोगे। हाँ तो कर देंगे सारी उम्र। मैं तो अपने एटीएम में छुपा दूंगा। तभी पति घिसते हैं शादी के बाद। अब ये मैडम पढ़ेंगी नोवेल और हम खाएंगे अखरोट जो कि बड़ी मम्मी ने दिया थे। ये वैष्णो देवी से आए हैं, ये वैष्णो देवी से प्रसाद दिया बड़ी मम्मी ने दिया है खाने नहीं, क्यों जरा आधा खाएंगे जरा। चलो मैं इसको तोड़ता हूँ, देसी इलाज करते हैं इसका। चलो जी हम देसी इलाज करके अखरोट तोड़ते हैं। कैमरा कौन पकड़ेगा कैमरा। चलो जी हम देसी तरीके से अखरोट तोड़ते हैं, ये वैष्णो देवी का प्रसाद है। चलो खाओगे? चलो है ही छोटा सा। हाँ क्या चीज? तो ये है हमारा तेरा तो साबुत दिमाग निकला है, इनमें पूरा दिमाग लगता है, पूरा दिमाग। तेरा साबुत दिमाग निकला है। मतलब अखरोट है। हे भगवान, क्यों आपका साबुत दिमाग नहीं निकला? मेरा टूटा टूटा निकला। चलो बस मैंने वो नहीं खाना। लो तो गाइस अगर आप पतियों का भी यही हाल होता है तो नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ भाई हम भी ऐसे गुजर रहे हैं इन चीजों से। गुस्से से देख रहे बीवी, बस करो। तो गाइस मैं जिम से आ चुका था 11 बजे और बस आके मैंने डाइट वाइट ली अपनी। तो अगर इफ आपको भी जिम करना है या आपको डाइट अगर पूछनी है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर साइज गेन करना है या साइज लूज करना है, तो आप मेरे को मैसेज या DM कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके शुभरू ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ पे जाके आप मुझे DM करो। और कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछो, ठीक है? मैं या फिर दूसरा चैनल है मेरा बीफिट विद शुभम सहगल, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस हैं और मैं वहाँ पर भी कंटिन्यू करूँगा। अभी थोड़ा तो साइज़ डाउन था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, अब साइज़ धीरे धीरे गेन होगा तो मैं जिम की वीडियोस भी डालूँगा। और बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो। और बस अब हम सोएंगे, 12 बज चुके हैं, या देखते हैं क्या करना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है। तो बस वीडियो लाइक शेयर सब। तो मामा जी अब पहुँचे हैं क्योंकि 8 बजे पहुँच जाना चाहिए था उनको, लेकिन अब पहुँचे हैं क्योंकि ट्रेन लेट चल रही थी। चलो ठीक है, अब आराम करेंगे, 11 बजे पहुँच गए थे, आराम करेंगे। तो सुबह उनको वीडियो कॉल करेंगे, बाकी देखते हैं। बाय।